हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सिनोरिया। वेलकम टू आवर चैनल आइडियल इंग्लिश सीहोर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत उपयोगी इंग्लिश स्ट्रक्चर की। आपने दोस्तों इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे, कोर्ट तो कोर्ट, उसके पास तो एक शर्ट भी नहीं है। इस तरह के सेंटेंस से आशा ये होता है कि कोर्ट की क्या बात करें, उसके पास तो शर्ट तक नहीं है। अंग्रेजी की क्या बात करें, उससे तो हिंदी भी नहीं आती। अंग्रेजी लिखना तो अलग बात है, उसे तो अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आता। कार चलाने की क्या बात करें, उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आती। तेज दौड़ने की क्या बात है, उसे तो पैदल चलना भी नहीं आता। तो इस तरह के जो सेंटेंस है दोस्तों, इनको बोलना बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस आपको जरूरत है केवल इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर की। एक स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, द सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम नॉट टू स्पीक ऑफ। सेंटेंस की शुरुआत या तो नॉट टू स्पीक ऑफ से करनी है, या फिर दूसरा ऑप्शन है सेंटेंस की शुरुआत लेट अलोन से करनी है। अब इसके बाद में कोई भी नाउन का यूज करना है, या एक वर्ब प्लस आईएनजी, यानी ये जो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, यहाँ भी इसका फॉर्म जो है नाउन के रूप में ही रहता है। जैसे अगर हमें कहना है कोर्ट की क्या बात करें, तो आप कह सकते हैं सेंटेंस को नॉट टू स्पीक ऑफ अ कोर्ट, या फिर आप कह सकते हैं लेट अलोन अ कोर्ट। तो पहला स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का आधा पार्ट है नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस नाउन का यूज करना है। जैसे आपको कहना है अंग्रेजी बोलने की क्या बात करें, तो नॉट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग। कार चलाने की क्या बात करें, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्राइविंग अ कार, यहाँ पर बल प्लस आईएनजी का यूज कर लिया हमने। ज्वेलरी की क्या बात करें, उसके पास तो एक चूड़ी भी नहीं है, तो नॉट टू स्पीक ऑफ ज्वेलरी, या फिर लेट अलोन ज्वेलरी। तो ये बहुत आसान स्ट्रक्चर है दोस्तों। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में किसी भी सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो सकता है, और टेंस के रूल के हिसाब से डज नॉट, जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डज नॉट का यूज करते हैं इनिशिएट सिंगुलर नंबर के साथ में, आई डू यू दैट प्लुरल नंबर के साथ हम डोंट का यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं। इसके बाद हमें हैव का यूज करना है, इवन का यूज करना है, और किसी भी नाउन का हम यूज कर सकते हैं। आइए हम वन बाई वन सेंटेंस को समझते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पर हमने प्रैक्टिस के लिए लिखा है, कोर्ट तो कोर्ट, उसके पास तो एक शर्ट भी नहीं है। तो हमें सेंटेंस कहना है नॉट टू स्पीक ऑफ अ कोर्ट, ही डजंट हैव इवन अ शर्ट। ही के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं, तो टेंस के रूल के हिसाब से हम ये यूज कर रहे हैं ही डज नॉट हैव, और इसके बाद हमें इवन का प्रयोग करना है, और फिर जिस चीज के लिए कहा जा रहा है जो सेकंड नाउन है उस नाउन को जोड़ना है। जैसे अगर हमें कहना है कि कोर्ट की क्या बात करें, उसके पास तो शर्ट भी नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ अ कोर्ट, ही डजंट हैव इवन अ शर्ट। आपको कहना है किताबों की क्या बात करें, उसके पास तो पेन भी नहीं है, तो नॉट टू स्पीक ऑफ बुक्स, ही डजंट हैव इवन अ पेन। आपको कहना है ज्वेलरी की क्या बात करें, उसके पास तो चूड़ियां भी नहीं है, नॉट टू स्पीक ऑफ ज्वेलरी, ही डजंट हैव इवन अ बैंगल या बैंगल्स। इसी प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर लेट अलोन का यूज करके कह सकते हैं लेट अलोन अ कोट, ही डजंट हैव इवन अ शर्ट। लेट अलोन बुक्स, ही डजंट हैव इवन अ पेन। लेट अलोन ज्वेलरी, ही डजंट हैव इवन बैंगल्स। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ और सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए। आपको अगर ये कहना है कि दुश्मनों की क्या बात करें, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। सर बोला जाता ना, दुश्मनों की क्या कहूं, दोस्तों तक ने मेरी मदद नहीं की, तो हम कहेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, इवन फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी। ये इवन का प्रयोग जो है हम चाहें तो डिड नॉट के बाद भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस ये है नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, इवन फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी। नॉट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग, इवन ही डज नॉट नो हाउ टू राइट। इसका अर्थ ये हुआ बोलने की क्या बात करें, उसे तो लिखना भी नहीं आता, तो हम कहेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग, पर मैं आईएनजी लगाया, इवन ही डजंट नो हाउ टू राइट, उसे तो लिखना भी नहीं आता। लेट अलोन अ कार, कार की क्या बात करें, उसे तो स्कूटी चलाना भी नहीं आती, तो हमें कहना होगा लेट अलोन अ कार, इवन शी डजंट नो हाउ टू राइड अ स्कूटी, या फिर इसको हम कह सकते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ अ कार, इवन शी डजंट नो हाउ टू राइड अ स्कूटी। नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की क्या कहें, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स,
इवन ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, वह तो अपने दुश्मनों की भी मदद करता है। यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं एनिमीज, यानी दोस्तों की तो मदद करता ही है वो, साथ में वह अपने दुश्मनों की भी मदद करता है। अक्सर हम कहते हैं कि दोस्तों की क्या कहें, वो तो अपने दुश्मनों की भी मदद करता है। तो आपको कहना होगा नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स, इवन ही हेल्प्स हिज एनिमीज। नॉट तो दोस्तों ये था नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट अलोन का यूज। उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो तो कृपया कमेंट में इस तरह के और सेंटेंस लिखें। आपके सेंटेंस लिखने से ये समझ में आएगा कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है और आप इसका प्रयोग जो है आम बोलचाल की लैंग्वेज में कर सकते हैं। दोस्तों साथ में एक बात और कहनी है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से जैसा कि आपको मालूम है कि हमें इससे कोई फायदा नहीं होता है, हमें इससे कोई पैसा नहीं मिलता है बस, लेकिन आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और लाइक करते हैं तो दोस्तों हमारा एक मोटिवेशन हो जाता है, प्रेरणा मिलती है कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्हें ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और ये कंटेंट पसंद आ रहा है, और आपके उस लाइक से या सब्सक्राइब कर लेने से हमारा मोटिवेशन हो जाता है और हमें प्रेरणा मिलेगी। हम आपके लिए इसी तरह के और भी कई सारे वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।